नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए खबर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, रांची से खबर जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने रिक्शे में लादकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भिजवाया है। आपको बता दें कि सिल्ली स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान मुगोजिया सोनार के रूप में हुई, जो बंता गांव का रहने वाला था। शव को रिक्शे पर ले जाने के मामले में अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो सिल्ली स्टेशन पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई थी और ऐसे में बंता गांव का रहने वाला ये शख्स है, पहचान हो चुकी है। लेकिन यहां पर पुलिस ने ही रिक्शे पर लादकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह की बात आज सामने आ रही है, इससे ज्यादा संवेदनहीन मामला मेरे समझ से कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई मृत व्यक्ति को हम उसके मरने के बाद भी अगर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य का बात हो सकता है। इस तरह की घटनाएं घटते रहती है, उसके बावजूद भी उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है और अपनी पीठ थपथपाने में, प्रचार प्रसार में, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने में, विज्ञापन देने में ये विभाग और माननीय मुख्यमंत्री अपनी भूमिका समझते हैं। देखिए, घटनाएं जो भी होती इस प्रकार की दुखद तो होती ही है। दूसरा है कि शव को रिक्शे पर लेके जा रहा है, किस परिस्थिति में ले गया, कैसे ले गया, मुझे जानकारी में नहीं है। तो आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि 108 नंबर को क्या उन्होंने फोन किया, या उसकी जानकारी नहीं है उनको 108 नंबर का। अब ऐसी स्थिति में कोई रिक्शा पर ले जा रहा है कि ठेला पर ले जा रहा है या किस स्थिति में ले जा रहा है, तो इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, सौ चाहे गरीब का हो, अमीर का हो, किसी का भी हो, कम से कम उसको इज्जत से ले जाना चाहिए। और जी मीडिया संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, पुलिस ही जब इस तरह से करेगी व्यवस्था तो बाकी चीजों को कैसे हम प्रश्न कर सकते हैं? पुलिस का इस तरह से रवैया सामने आ रहा है, रिक्शे पर लादकर पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा रहा है। बिल्कुल सलोनी, आपने ठीक कहा है कि पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। जब एक मृत व्यक्ति जो मगुजिया सुनार है, उसके शव को रिक्शे पर ले जाकर के भेजा गया। और सबसे अहम सवाल है कि लगातार झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त होने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ 108 एम्बुलेंस योजना भी यहां पर चलाया जा रहा है। बावजूद इसके जो आज तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कि मृतक के जो शव को रिक्शा में लेकर के ले जाया गया, और इस पर विपक्ष भी लगातार हमले करते आ रहे हैं कि आखिरकार तमाम जो लोग हैं स्वास्थ्य विभाग के और महकमे के जो अधिकारी हैं, वो भी लगातार कहते हैं कि झारखंड स्वास्थ्य सुविधाओं में आगे जा रहा है, और इसके बावजूद ऐसा जो तस्वीर, एक जो विवश तस्वीर जिसको कह सकते हैं, ये जब सामने आता है तो लाजमी है कि झारखंड की व्यवस्था, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो कहां जा रही है। और इतने संवेदनहीन यह समाज है कि समाज का कोई एक सजग इंसान, कोई आला अधिकारी इस पूरे घटना पर अब तक संज्ञान नहीं लिया। हालांकि यह मामला मूढ़ी रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ था और जीआरपी की यह घटना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रेलवे पुलिस को भी इसका संज्ञान लेने की जरूरत थी और उसे सब सम्मान के पोस्टमार्टम हम सब को भेजे जाने की जरूरत थी। सलोनी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।